हेलो एवरीबॉडी टुडे वील बी डूइंग द एक्सरसाइज गेट सेट गो फ्रॉम चैप्टर 10 मेजरमेंट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक द फर्स्ट वन इज़ द लेंथ ऑफ योर स्कूल नोटबुक इज अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी जो स्कूल की नोटबुक है उसकी लेंथ कितनी होगी यूजुअली जो स्कूल की कॉपी होती है वो इस साइज़ की होती है राइट इसे थोड़ा बहुत ही डिफर करती है फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अब जो ये कॉपी है सपोज इफ आई टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस कॉपी ये इस कॉपी का क्या मेजरमेंट होगा इसकी लेंथ कितनी होगी तो ये हमारा स्केल है हमको पता है ये जो स्केल होता है इससे जो मार्किंग्स होती हैं कैसी होती है वन दिस इज टू दिस इज़ थ्री ये क्या है ये कौन सा यूनिट है इनके साथ दे हैव सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर्स में होता है राइट right? तो और हमको पता है कि वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स ये भी हमको पता है क्लियर है तो अब इसके साथ फोर्टी के साथ कौन सा यूनिट लगेगा कॉपी के साथ आ रहा है इट हैज़ अ लेंथ ऑफ फोर्टी अगर मीटर लगाते हैं सपोज अगर मैं मीटर में बात करती हूँ तो वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर मतलब ये जो स्केल है दिस इज फिफ्टीन सेंटीमीटर तो सोचिए फिफ्टीन अगेन फिफ्टीन अगेन फिफ्टीन ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीटर्स तो नहीं आएगा यहाँ पर क्लियर है दैट मीन्स कॉपी कितनी हो जाएगी हमारी फोर्टी सेंटीमीटर्स राइट क्लियर है नाउ वील मूव टू द बी पार्ट बी इज वेट ऑफ ये स्कूल बैग इज हमारे जो स्कूल का बैग होता है उसका वेट कितना होगा ठीक तो वेट के लिए कौन सा यूनिट हम यूज़ करते हैं के ग्राम्स अगर यूज़ करते हैं तो ग्राम विल बी वेरी लाइट वो बहुत हल्का हो जाएगा क्लियर अगर आप एप्पल भी सपोज़ एप्पल फाइव सिक्स एप्पल्स भी होते हैं दे आर अराउंड वन के जी वो वन के जी का वेट हो जाएगा अगर सपोज चार एप्पल्स हैं तो चार एप्पल का वेट कितना हो जाएगा अराउंड वन के जी ठीक है तो आप ग्राम्स तो बहुत हल्का हो जाएगा तो जो स्कूल बैग होता है दैट इज़ अराउंड थ्री के जीज क्लियर नाउ विल मूव टू पार्ट सी पार्ट सी इज when आई हैव फीवर आई टेक 5 डैश ऑफ सिरप जो आपकी मेडिसिन होती है उसका जो कप आता है मेजरिंग कप आता है तो आप उसी में तो लेते हैं तो उसको कौन सा यूनिट होता है आप नोटिस करिएगा इसका जो यूनिट होता है दैट इज milliliter मतलब एक लीटर का भी छोटा छोटा पार्ट दैट इज मिली ठीक है वन बाय वन थाउजेंड पार्ट ठीक है दैट इज़ मिली इतना छोटा पार्ट को हम मिली कहते हैं तो हम एक कैप छोटा सा कैप होता है उसी में तो पीते हैं हम लोग सिरप ठीक है तो सी में क्या आएगा सी में यू हैव टू पुट द यूनिट मिली लीटर दैट इज एम एल क्लियर नाउ डी इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज लेंथ होती है आप जैसे किसी भी चीज़ का डिस्टेंस पे नहीं मेजर तो व्हाट इज़ द बेसिक व्हाट इज़ द सब छोटा जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो कौन सा लेंथ होती है तो दैट इज मीटर्स क्लियर हम हमेशा लेंथ किस में मेजर करेंगे मीटर्स में दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ क्लियर नाउ कमिंग टू द ई पार्ट द बेसिक यूनिट ऑफ मास मास जो होता है किसी का वेट उसका बेसिक यूनिट क्या होता है सबसे छोटा जिससे एलिमेंट्री यूनिट जिससे और यूनिट्स बनते हैं तो दैट इज ग्राम्स ठीक है ये कौन सा यूनिट होता है ग्राम और यू कैन ऑल्सो राइट जी क्लियर ना मूविंग टू द एफ पार्ट एफ एज द बेसिक यूनिट ऑफ कैपैसिटी इज आप जैसे वेन यू टेक मिल्क आप जब दूध लेते हो तो आप क्या बोलते हैं भैया दो किलो दूध नहीं दीजिएगा या दो मीटर दूध नहीं दीजिएगा क्या बोलते हैं आप टू लीटर्स ऑफ मिल्क राइट यू यूज़ द यूनिट लीटर्स क्लियर है कोक की बॉटल लेते हैं वेन यू टेक द बॉटल ऑफ कोक तो आप क्या कहते हैं बड़ी वाली कितनी होती है टू एम एल ठीक है तो यू से टू लीटर्स सॉरी तो आप कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं लीटर्स का तो कैपेसिटी जो लिक्विड्स होते हैं हमेशा दे आर ऑलवेज मेजर्स इन लीटर्स राइट आप कभी भी लिक्विड को आप मीटर्स में या ग्राम्स में यू कैन नॉट मेजर देम क्लियर है नाउ मूविंग टू द जी पार्ट जी इज वन किलोमीटर इज इक्वल टू वन किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स हमको पता है किलो का मतलब क्या होता है किलो मीन्स किलो मीन्स वन थाउजेंड ठीक है वन द वर्ड इज़ वन किलोमीटर्स डैट मीन्स कितना हो जाएगा वन थाउजेंड मीटर्स क्लियर है ना मूविंग टू द एच पार्ट एच इज़ वन मिली लीटर इज़ वन मिली मीटर सॉरी वन मिली मीटर इज़ डैश सेंटीमीटर्स हमको ये बताना है कि एक वन एम एम जो है वो कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होता है So, वो कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वन बाय हंड्रेड सो दिस इज जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर्स नाउ कमिंग टू द आई पार्ट सॉरी दिस आंसर विल भी दिस विल बी जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर्स नाउ कमिंग टू द आई पार्ट दिस इज थ्री ग्राम्स इज इक्वल टू थ्री ग्राम्स जो है वो कितने केजी के जी के बराबर होता है तो हम क्या करेंगे इसको के जी का मैंने क्या बताया था वन थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे बिकॉज किलो मीन्स वन थाउजेंड ठीक है तो हम ये छोटे यूनिट से बड़े की तरफ ये है ना ग्राम से वन आर गोइंग टू वर्ड्स के जी तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं क्लियर है तो आंसर कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो थ्री के जीज क्लियर दिस विल बी द आंसर फॉर द आई पार्ट राइट मिंग टू द जे वन जे इज एटीन लीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिली लीटर्स ठीक है तो इसमें क्या करते हैं क्या इसका वो है रिलेशनशिप है वन लीटर इज इक्वल टू वन थाउजेंड एम एल ठीक है अल टीच यू लेटर और इसके सारे जितना भी रिलेशनशिप है वो मैं आपको वेन विल डू द एक्सरसाइज एल टीच यू देर अभी तो यू जस्ट डू दिस एक्सरसाइज तो ये क्या हो जाएगा वन लीटर इज इक्वल टू वन थाउजेंड एम का फॉर्मूला होता है तो फिर दैट मीन्स एटीन एम कितना हो जाएगा एट एटीन लीटर्स विल बी एटीन थाउजेंड एम क्लियर हम इसको एट्टीन को वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा एट्टीन थाउजेंड एम एल गोट इज नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट जे पार्ट इज फोर्टी नाइन सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी एम एम उसके लिए हम क्या करते हैं जब हम सेंटीमीटर्स को एम mm में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको टेन से मल्टीप्लाई करते हैं ये सारा प्लेस वैल्यू आई टीच यू मेन विल डू द टेन एक्सरसाइज अभी तो आप बस समझ लीजिए वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन एम एम दैट मीन्स फोर्टी नाइन सेंटीमीटर्स विल बी इक्वल टू फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी एम एल हम इसको टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है फोर्टी नाइन को मेन विल मल्टीप्लाई व टेन तो कितना आंसर आ जाएगा फोर नाइन्टी एम एम Here we have complete this exercise, get it go. Now we will move to exercise 10a.